2024 चुनाव पर संघ प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है। मोहन भागवत ने कहा कि भावना भड़का करके वोट लेने की कोशिश ठीक नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए। बड़ी बातें जो उन्होंने कही है उसमें सबसे प्रमुख बात उनकी ये रही है, 2024 चुनाव को ध्यान में रखकर मद्देनजर ये बयान दिया गया मोहन भागवत की तरफ से। जिस तरीके के राजनेताओं की तरफ से बयानबाजियां की जाती हैं उसको सीधे तौर पे इन्होंने यहां कोट किया, क्या कुछ कहा है सुनिए। सावधान रहना है क्योंकि अब आने वाले दिन भी अब चुनाव के दिन है, अभी राज्यों की चुनाव है, आगे लोकसभा का है। चुनाव में तो खूब गाली गलौज चलेगी, प्रचार चलेगा लोगों को इधर से उधर लाने का, उसमें ये हथकंडे और बढ़ सकते हैं। जहां उद्देश्य नहीं वहां भी उद्देश्य चिपका कर बातें हो सकती है। ध्यान में रखना, चुनाव में मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है, वो हम सबने करना चाहिए, मतदान को छोड़ना नहीं चाहिए, वो हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। नागरिक राष्ट्रीय कर्तव्य करे इसलिए संघ के स्वयंसेवक काम करेंगे, परंतु वो ऐसी छोटी बातों के आधार पर नहीं करना है, उकसावे में भड़काऊ बातों से भड़ककर उकसावे में आकर नहीं करना है। ठंडे दिमाग से सोचिए कौन अच्छा है, किसने अच्छा काम किया है। सबका अनुभव अब भारत की जनता के पास है, सबका अनुभव ले लिया, अब इसमें कौन अवेलेबल बेस्ट उसको देना, ऐसा हमको चलना पड़ेगा। मतदान के प्रचार के समय ये सारे हथकंडे फिर से अपनाए जाएंगे, उसकी आग में हमको पड़ना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखकर हम आगे बढ़े, संघ ऐसे जाएगा। जीनी